चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जैसे जैसे तैयारियों में तेजी आ रही है, अब वैसे वैसे हमारी पड़ताल भी रफ्तार पकड़ रही है। इसके मद्देनजर हम पहुंचे कानपुर के बगदौदी बांगर गांव, जहां हम तो सिर्फ गांव का विकास देखने गए थे, लेकिन हमने जो देखा वो कुछ और ही था। आप भी रिपोर्ट देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब तैयारियां और भी तेज हो गई हैं। इन सब के बीच गांव-गांव जाकर विकास की पड़ताल लगातार भारत समाचार की टीम कर रही है, और इसी कड़ी में कानपुर की ग्राम पंचायत बगदौदी बांगर आज हम पहुंचे, जहां पहुंचकर हमने गांव का हाल देखा, गाँव वालों का हाल जाना और उनका दर्द भी सुना। गांव के लोगों ने निवर्तमान प्रधान समेत तत्कालीन प्रधानों को नकारते हुए नए प्रत्याशी को प्रधान बनाने की बात कही, जिससे साफ जाहिर होता है कि गांव में पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं कराया गया। का काम हुआ, आप आंखें देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं आप, गंदगी कितनी पड़ी, यहाँ अस्पताल है, मरीज आते, सब कुछ है, कहीं पर कोई सफाई आपकी नजर में होगी, खुद क्या काम हुआ। जब हमारे पास न शौचालय न कहीं जगह जरा बैठने के लिए, तो हम शौचालय हमें काबू देते। क्या कराया? कुछ नहीं कराया है। कहाँ रहती हो? ऐसे खुले में रहती हो? हाँ, ऐसे खुले में रहते हैं। डर नहीं लगता? अब डर लगता है तो क्या करें, बच्चों को लेके या इसे खुले में रात में भी लेटते हैं। तो कोई कॉलोनी वालोनी भी नहीं मिली? नहीं मिली है, आज 5 साल हो गए, कोई कॉलोनी नहीं मिली है। तो किसकी शिकायत प्रधान से करी? प्रधान से की है, प्रधान के पास गए तो प्रधान ने अपने घर वालों से कवा देते हैं कि कह दो कि घर पे नहीं है, वो मिलते नहीं कभी, और कभी रास्ते बीच मिल जाते हैं तो आते नहीं है घर पे, कभी देखने भी नहीं आए हैं। तो कैसा प्रधान चाहती हो? प्रधान हम कैसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि भाई कम से कम हमको रहने को तो व्यवस्था कीजिए, ऐसा हम प्रधान चाहते हैं। पूर्व प्रधानों समेत निवर्तमान प्रधान राजकुमार पाल की मिलीभगत से धांधली के चलते गाँव के ग्रामीण बदहाली की जिंदगी काट रहे हैं। गांव में विकास के कार्य को लेकर जमकर धांधली की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि ना तो यहां कोई विकास हुआ और ना ही यहां की साफ सफाई पर प्रधान ध्यान देते हैं। कुछ नहीं किया, आपके घर के सामने गंदगी कितनी पड़ी आप खुद देख रहे हैं, कभी सफाई नहीं होती है, यहां बीमार है, खुद बीमार है। तो प्रधान कभी आते हैं? कोई नहीं आता है, क्योंकि बीमारी गंदगी के चक्कर में हो रही है। और क्या, बुखार आ रहा, मलेरिया हुई रहा, कहीं टाइफाइड हुई रहा, जनता परेशान है, दवाई कर रही है। 5 सालों में प्रधान एक बार आया? एक बार नहीं आया, जनता ने को प्रधान है। प्रधानों ने क्या, केवल अपनी जेबें भरने का? बस उन्होंने अपनी जेब भरी, उसके बाद काम खत्म हो गया। अब कैसा प्रधान चाहते हैं? अच्छा प्रधान चाहते हैं कि जो यहाँ की सेवा करे। जनता किस लिए चुनती है? कि हमारे द्वारा सफाई हो, हमारी मदद करे। ऐसा प्रधान होना किस काम का? अपनी जेब भरे, अपना काम करे, चलता बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान ने गांव वालों से शौचालय के लिए 1,000 से 2,000 रुपए लिए, उसके बाद कहीं उन्होंने शौचालय बनवाए भी तो वो भी टूटे फूटे। ग्रामीणों ने और कुछ क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम यहाँ पर जो है कानपुर के गांव-गांव यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानों ने काम कराया है। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ की ग्राम पंचायत बगदौदी बांगर में और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ के प्रधानों ने 5 साल में कितना विकास किया है। शुरुआत करते हैं, यहाँ पर कुछ युवा हैं, इनसे जानते हैं कि ये लोग जो हैं प्रधानों से कितना संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? रची पांडे। रची, प्रधान 5 सालों में कितना काम कराया है इस गाँव में? अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं कराया, दिखाई दे रहा आपको खुद ही यहाँ पे कितना काम किया हुआ है। क्या गंदगी का अंबार है गांव में? हाँ, गंदगी का अंबार है। क्या चाहती हूँ, कैसा प्रधान चाहती हूँ? प्रधान अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता रहे, स्वच्छता नहीं इसीलिए तो ये बीमारियाँ फैल रही हैं, और क्या है, सब वैसे तो फैल। कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवा यहाँ पर संतुष्ट नहीं है प्रधानों से। हमारे साथ में कुछ लोग और हैं कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल प्रताप सिंह है। राहुल जी, प्रधान से कितना संतुष्ट है? प्रधान से हम क्या, हमारा पूरा गाँव पूरे 5 साल से असंतुष्ट है, ना कोई ढंग का काम हुआ है, हर गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है, उनकी समस्याओं को लेकर हम लोग चिंतित रहते हैं, जितनी मदद हम लोगों से हो पाती है उनकी मदद करते हैं, फिलहाल प्रधान के माध्यम से उनकी कोई मदद नहीं होती है। तो ये जो बगदौदी गांव है, यहाँ पर प्रधान ने 5 साल में सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। कैमरामैन NK शुक्ला के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर।